हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज के वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि फुटबॉलर्स जो होते हैं वो ट्रेनिंग कैसे करते हैं, और ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा जिन लोगों को नहीं पता होता एग्जैक्टली क्या ट्रेनिंग करें। बस वो मैदान में जाकर डेली खेलते हैं और उनका गेम इम्प्रूव नहीं होता है। वीडियो को पूरा देखना। और आज हम लोग मॉर्निंग ट्रेनिंग करेंगे, तो अभी लगभग सुबह के 5:30 बज रहे हैं, आप देख सकते हो। वो पूरा देखना, एंड तक देखना, बहुत मज़ा आने वाला है। काफ़ी चीज़ को टच करेंगे आज हम लोग। प्रैक्टिस एक टाइप का रिविजन होता है जिसको आपको करते रहना चाहिए, नहीं तो वो वीक हो जाएगा। चलिए लेट्स गो। आज के वीडियो में हम लोग जो भी ट्रेनिंग करेंगे, लेकिन वार्म अप करना बहुत ज़रूरी है। जैसा कि आपको पता है, तो मैं वार्म अप नहीं दिखाने वाला हूँ। वार्म अप सभी को पता है, अगर वार्म अप की ज़रूरत होगी तो मैं प्रॉपर वीडियो बनाऊँगा। वार्म अप कर लिया हूँ और वार्म अप के बाद अब करेंगे ट्रेनिंग स्टार्ट। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूँगा चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को भी दबा लो, ताकि मैं जब भी वीडियोस अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और आप इस वीडियो को एटलीस्ट पूरा देखना, ताकि आपको एग्जैक्ट पता चल जाए कि कैसे आपको ट्रेनिंग करना चाहिए किसी भी चीज़ को इम्प्रूव करने के लिए। और नीचे कमेंट सेक्शन तो आपके लिए ही बना हुआ है, आप वहाँ पर अपना सारा बात लिख सकते हो, जिसका मैं रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। चलिए लेट्स गो। तो फ्रेंड्स, अभी हम लोग का वार्म अप कम्प्लीट है जैसा कि आप लोग जानते हैं, और अभी हम लोग कुछ स्प्रिंट्स ट्राई करेंगे जिससे थोड़ा हेल्प मिलता है हमें। तो फ्रेंड्स, कभी भी आप लोग प्रैक्टिस करो तो आप लोग स्प्रिंट जरूर आना फुल स्पीड में। उससे क्या होगा, पहली बात तो आपका स्पीड बढ़ेगा, दूसरा आपका स्टैमिना बढ़ेगा, और उससे आप जब भी प्रैक्टिस करेंगे तो और आपको अच्छे से हेल्प मिलेगा प्रैक्टिस करने के लिए। फ्रेंड्स, अभी हम लोग लैडर प्रैक्टिस करने वाले हैं। लैडर से आपका फुटवर्क इम्प्रूव होता है, एजिलिटी इम्प्रूव होता है। तो चलिए इसको फिक्स करते हैं। और आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना कि आप लोग वीक में कितने दिन लैडर ट्रेनिंग करते हो, क्योंकि आप लोग जानते हो फुटबॉलर के लिए लैडर कितना इम्पॉर्टेंट होता है। हम लोग का ट्रेनिंग चल रहा है, और ट्रेनिंग का वक्त आपको एक बात बता दो, वहाँ पे बॉल रखा हुआ है, और सभी प्लेयर्स को मतलब ये मन में होता है कि मतलब कितना जल्दी ट्रेनिंग ख़त्म करें और बॉल के पास जाएं, और कोचेज आपको मना करते हैं। क्लब में अगर आप लोग प्रैक्टिस करते होगे तो मेरे इस बात को रिलेट कर पा रहे होगे। मेरा भी मन कर रहा है कि मैं बॉल जल्दी स्टार्ट करूँ, लेकिन अभी और ड्रिल्स है जिसको परफॉर्म करना ज़रूरी है आपका गेम इम्प्रूव होने में हेल्प करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, हम लोग का लैडर ड्रिल्स कंप्लीट हो गया, और जैसा कि आपको पता है कि लैडर में बहुत सारे ड्रिल्स होते हैं, लगभग 8 से 9 ड्रिल्स में हम लोग दिखा सकते हैं। और मैंने बहुत सारे लैडर्स के ऊपर शॉर्ट्स बनाए, जो कि आप लोग देखते होगे तो पता ही होगा। हम लोग यहाँ पे सारे वीडियोस को शूट नहीं किया लैडर्स के लिए, मैंने आपको एक ओवरव्यू दिया कि आप लैडर में क्या ट्रेनिंग कर सकते हो। अगर आप लोग कमेंट करोगे तो लैडर पे प्रॉपर वीडियो मैं बना दूंगा, और इसी वीक बना दूंगा, तो नीचे कमेंट कर देना। चलिए अब नेक्स्ट ट्रेनिंग ड्रिल्स के देख सकते हो हमारे ऊपर से ये खूबसूरत लग रहा है। चलो ट्रेनिंग। फ्रेंड्स, इसके अंदर है कुछ स्पेशल। व्हाट इज दिस मैन। अभी इसको असेंबल करना पड़ेगा। ये एक असेंबल बार है जो कि आपको बहुत हेल्प करता है आपके प्रैक्टिस में, प्लस जब आप खेलोगे तो आपके लिए ये बार पोस्ट का काम करेगा। चलो इसको असेंबल कर लेते हैं। हम लोग थोड़ा टेक्निकल ड्रिल्स पे ध्यान देते हैं, और ये सर्किट पूरा हम लोग सजा दिए हैं, और इसको भी हम लोग फिनिश देने की कोशिश करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, और इस ड्रिल्स के बाद तो फ्रेंड्स, ये सब जो छोटे छोटे ड्रिल्स होते हैं, ये आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए,
इसका बहुत सारा वेरिएशंस होता है जो कि मैं सब इस वीडियो में भी कवर नहीं करूँगा, और ये सब करोगे तो आपको इसका इम्पैक्ट आपको मैच में दिखेगा कि आपको कब स्प्रिंट लेना है, कब फास्ट रखना है अपना फुटवर्क, कब मैन को कट करना है, कब बॉल को रिलीज़ करना है, कब बॉल को पास करना है। ये सब ड्रिल करने के बाद आपका थोड़ा विजन क्लियर हो जाएगा कि जब आप, बहुत सारे लोगों का प्रॉब्लम होता है कि वो मैदान में खेलते हैं और बहुत सारे प्लेयर्स होते हैं लेकिन उनको बहुत टाइम लगता है जज करने में कि हम कब किसको बॉल पास करें। ये सब ड्रिल करोगे आपका अवेयरनेस क्लियर होगा, फिनिशिंग और फुटवर्क और कॉन्फिडेंस, ये सब कुछ इम्प्रूव होता है इन सब ड्रिल से। चलो आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स देख रहे हो, जब वो गैप देगा तो हमें बॉल रिलीज़ कर देना, जैसे कि मैंने अभी किया। हाँ, मार्क भी नहीं गया लेकिन एक्यूरेसी लगभग ठीक था। बॉल अगर मैन को रिलीज़ कर दोगे तो उसमें ज़्यादा गेम अच्छा होता है। आगे देखते हैं। कैसा लगा भाई? तो फ्रेंड्स ये ड्रिल आपको बहुत हेल्प करेगा आपके गेम में, स्पेशली स्मॉल ग्राउंड में जो आप लोग खेलते हैं 7 साइड 9 साइड, तो ये सब ड्रिल आपको बहुत हेल्प करेगा जैसा कि अभी आप इस वीडियो में देख रहे हैं। चलिए लेट्स गो। क्रॉस करने में प्रॉब्लम हो रहा है कॉम्पैक्ट एरिया में, तो ऐसा ऐसे समय में क्या करते हैं, ये कॉम्पैक्ट एरिया है और यहाँ से जो बॉल आता है वीक फुट में, तो पहले से टर्न अराउंड हो जाए, तो आपको इससे भी क्रॉस कर सकते हो, गैप बना के यहाँ से भी क्रॉस जा सकते हो, ये तो आपके प्लेयर को कोई फायदा नहीं होगा। ऐसे कॉम्बिनेशन बनता है, मतलब जैसे आप वहाँ से बॉल डिलीवर किए, सही पॉइंट पे गिरा है, सही पॉइंट पे रिलीज़ किया गया बॉल, सही पॉइंट पे आप कैप्चर किए, इससे आपका गेम कॉम्बिनेशन बनता है। अगर आप इसे अपने पार्टनर के साथ प्रैक्टिस करोगे जिसके साथ आप टीम में हो तो आपका बेटर होगा। ये सब देख रहे हो टेक्निकल ड्रिल से, मतलब ये सब आपको गेम इंप्रूव करने में हेल्प करता है कि आपको पास कहाँ करना है, आपको रिलीज़ कहाँ करना है, और आपका कॉम्बिनेशन अच्छा होता है अपने टीममेट के साथ। ये सब ड्रिल्स आपको मतलब जल्दी कोई नहीं बताएगा, अगर आप इसे कम एज से ही प्रैक्टिस करोगे तो समझ रहे हो आपका विज़न, मतलब बाद में जाके अगर अच्छे से प्रैक्टिस करते हो बहुत अच्छे से, तो बाद में विज़न जाके आपका इनिएस्टा लेवल का हो जाएगा। तो ठीक है, सबका अपना अपना गेम प्ले, लेकिन किसी को पता नहीं होता कि कैसे प्रैक्टिस करो। ये सब अच्छे अच्छे एकेडमी में होता है तो उन सबका एकेडमी का मतलब चार्जेस तो आपको पता ही, तो बहुत लोग नहीं कर पाते। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये सब का कंप्लीट ट्रेनिंग ड्रिल्स चाहिए, क्योंकि मैं तो सारा कुछ यूट्यूब में नहीं डाल सकता, अगर आपको कंप्लीट ट्रेनिंग ड्रिल्स चाहिए तो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में, मेरा ट्रेनिंग प्रोग्राम आप ज्वाइन कर सकते हो, उसमें कंप्लीट है सारा डिटेल्स, उसमें बताया हुआ उस वीडियो में कि क्या क्या कैसे ज्वाइन करना है, कौन ज्वाइन कर सकता है, क्या क्या उसके लिए क्राइटेरिया है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उस वीडियो को देखो और आप उसी वीडियो के थ्रू आप ट्रेनिंग प्रोग्राम हमारा ज्वाइन कर सकते हो।
तो उसमें आपको कंप्लीट सब कुछ बताया जाएगा कि कैसे प्रैक्टिस करना है, क्या करना है, आपका सारा कुछ उसमें वीडियो में डिटेल बताया गया। आप ज्वाइन कर सकते हो अगर आपको अपना गेम इंप्रूव करना है, अगर आपको आगे खेलना है तो। ठीक है, तो अभी हम आपको और कुछ ड्रिल्स दिखा देते हैं, चलो लेट्स गो। ये सब हम लोग का यूजुअल मिस्टेक्स होता है जो कि हम आपको वीडियोस में रियलिटी में दिखा रहे हैं कि क्या होता है। अगर कोई विंगर है या फिर कोई स्ट्राइकर है, कुछ भी हो, बॉल छोड़ा, जब वो बॉल रिलीज करता है तो उसको पता होना चाहिए कि मेरा मैन कहाँ है, कितने रिलीज पे मेरा मैन कैप्चर करेगा उस बॉल को। वो हमको कभी भी मतलब बॉल रिलीज कर देना, अपना मतलब बॉल से डर के मतलब बॉल से रिलीज करना, ऐसा करने से आप प्लेयर अच्छे नहीं बन पाओगे। आप बॉल जब आप रख रहे हो मतलब यू आर द किंग, और आप जब रिलीज करोगे तब भी आप किंग रहोगे, क्योंकि आपको पता है कि आपको कैसे उसको डिलीवर करना है। समझ रहे हो, आपका डिलीवरी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है अगर आप एक गोल स्कोरर बनना चाहते हो। चलो, ये सब बात मैं बता रहा हूँ, आपको यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेगा। चलो ये सब बातें बताने के बाद आपको रिलेट कर पा रहे होगे कि हाँ, सही टाइमिंग, सही पोजीशन और सही तरीके से बॉल रिलीज करने से, बॉल रिसीव करने से आप गोल कर सकते हो। ये गोल हो सकता था लेकिन नाइस अटेम्प्ट था, बॉल हाई था, हेडर अच्छा था, बॉल मिस हो सकता है, लेकिन गोल ना होना ये बुरा बात नहीं होता है, अच्छा अटेम्प्ट ना करना बुरा बात होता है। तो ठीक है, अच्छा अटेम्प्ट था मेरा, क्रॉसिंग आप देखिए फर्स्ट टच क्रॉसिंग था, एकदम सटीक जगह पे, स्ट्राइकर्स इसे फिनिश करते हैं। तो ये सब आपको सीखना हो तो आप मेरा ट्रेनिंग प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का, आप उसमें से कंप्लीट डिटेल मिल सकते हैं, और आपको इसमें एक दो ड्रिल्स इसको करके दिखाते हैं। चलो लेट्स गो। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपका नज़र बॉल के ऊपर होना चाहिए कि किस टाइमिंग में आप पहुंच रहे हैं, किस टाइमिंग में बॉल आ रहा है। अगर आप पहले पहुंच जाओगे, बॉल बाद में आएगा, तो वहां से पहले ही खड़े हो जाओगे। टाइमिंग रखिएगा जिस तरीके से बॉल आए, और उसी टाइम पे अगर आप पहुंचे, थोड़े से अगर जल्दी पहुंच जाए तो भी ठीक है, लेकिन आपका टाइमिंग सही होना चाहिए, क्योंकि आप अगर लेट पहुंचोगे तो बॉल निकल जाएगा या फिर डिफेंडर रहेगा वो क्लियर कर देगा। और ये सब इम्प्रूव होता है प्रैक्टिस से, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, और कुछ लोगों को पता ही नहीं होता कि प्रैक्टिस मतलब करें कैसे। हमारे साथ जुड़े रहो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बहुत सारा मिल जाएगा। फ्रेंड्स, काफ़ी धूप आ चुका है, सुबह से हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं, आपको उन्हें टाइमिंग बताया ही था, और अभी 7:30 बज चुके हैं लगभग, काफ़ी देर प्रैक्टिस हो चुका है। तो अभी बोल रहा हूँ कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ऐसे बहुत सारा वीडियोज़ आते रहते हैं हम लोगों का। और एक बात, अगर आपको हमारा ट्रेनिंग प्रोग्राम ज्वाइन करना है, जहाँ पे आपको कंप्लीट ट्रेनिंग प्रोग्राम मिलेगा, आपको सब कुछ बताया जाएगा कैसे प्रैक्टिस करना है, क्या प्रैक्टिस करना होता है, और ये ट्रेनिंग प्रोग्राम अंडर 10 से लेकर अंडर 17 प्लेयर्स के लिए है। लिंक डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का पूरा डिटेल उसमें दिया हुआ है, आप जाके वो वीडियो देखो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और मुझसे जुड़ने के लिए आप मेरे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है।